वो भूत जिसने स्तंभ का ऊपरी सिरा देखते हुए मुझे देखा था, सबसे ऊपर। इस स्तंभ का सिरा तो समझ ही नहीं आ रहा, किंतु यदि मैं हार गया मेरा तो वर्चस्व भी समाप्त हो जाएगा। मुझे ही कोई युक्ति लगानी होगी जिससे यह प्रमाणित हो सके कि मैंने स्तंभ का सिरा ढूंढ लिया। केतकी, केतकी, मैं तुम्हें अपना साक्षी बना रहा हूं, मेरे साथ चलो। यदि स्तंभ कुछ पूछे तो तुम असत्य कहना, इसके बदले में जो तुम चाहोगी वो सब कुछ मैं दूंगा। ये कैसे संभव? नारायण ने सत्य कहा, इसलिए ये सर्वत्र पूजे जाएंगे। हर काल में हर स्थान पर विष्णु की पूजा की जाएगी और मेरे आराध्य भी होंगे, क्योंकि सर्वशक्तिमान होकर भी इन्होंने अपना अहंकार त्याग कर अपनी हार स्वीकार की। पर ब्रह्मदेव ने अपना अहंकार नहीं त्यागा और सर्वश्रेष्ठ तथा पूजनीय बनने के लालच में इन्होंने आज सत्य भाषण किया है, इसलिए आज से इनकी पूजा वर्जित होगी। और केतकी, तुमने झूठा साक्ष्य प्रस्तुत किया है, इसलिए आज के बाद तुम्हारा प्रयोग कभी किसी पूजा में नहीं किया जाएगा। आप कौन है? सबसे बड़ा हूं मैं, केवल मैं, क्योंकि मेरा ना आदि है ना अंत, मैं हूं महाशिव। तुमने मेरी पूजा वर्जित की, मुझे दंड दिया, ये अधिकार तुमको किसने दिया? स्तंभ, स्वयं को बड़ा कहते हो, सबसे बड़े असत्यवादी तो तुम स्वयं हो, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ मैं हूं सबसे बड़ा। पर ब्रह्म हूं मैं, पांच शीश है मेरे, तुम्हारे कितने बोलो? कौन हो तुम? अपना सगुण स्वरूप प्रकट करो। एक क्षण के लिए अपना अपमान सह सकता हूं मैं, परंतु तुम्हारा अभिमान भंग करना भी आवश्यक है ब्रह्मदेव, इसलिए अब मैं तुम्हें अपनी शक्ति का परिचय दूंगा और मेरा रुद्र अवतार ही तुम्हारे अहंकार का नाश करेगा जो काल भैरव कहलाएगा। मैं हूं काल भैरव, अहंकार का भक्षण करता हूं मैं, वही अहंकार तुम्हारे भीतर प्रचुर मात्रा में भरा है,
और सृष्टि के जनक को अहंकार शोभा नहीं देता। उसी अपराध का दंड दूंगा तुम्हें मैं। माया के वश में जब घमंड ब्रह्मा जी पे छाया था, स्वयं को श्रेष्ठ मान क्रोध शिव जी को दिलाया था। तब काल के समान रूप काल भैरव का लिया और काट के सर पांचवा ब्रह्मा जी का पृथक किया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। महादेव ने अहंकारी ब्रह्मदेव को दंड देकर उन्हें पर ब्रह्म की उपाधि से वंचित कर दिया और ब्रह्मदेव के पद को ऐसा बना दिया कि उस पर सदा के लिए कभी भी कोई आसीन नहीं रहता। हर महाकल्प के अंत में ब्रह्मा बदल जाते हैं। वर्षों तक तपस्या, ध्यान और त्याग करने के बाद ही ऐसा ज्ञान मिलता है जिसे कोई ब्रह्मा के स्थान को प्राप्त कर सके। जिस रात महादेव ने अपने अरूप रूप में प्रभु विष्णु और ब्रह्मदेव को सबसे पहले दर्शन दिए थे, उसी रात को शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। उस दिन उपवास रखकर पूरी रात जागरण करके शिव का ध्यान करने वालों को उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो ये है शिवरात्रि का महत्व। परंतु गुरुदेव, महादेव के बारे में ये सब जानकर क्या बाल गणेश ने उन्हें पहचान लिया? नंदी की आशा तो यही थी। अब समझ आई तुम्हें हमारे महादेव के क्रोध की गंभीरता? जैसे उन्होंने काल भैरव का रूप लेके ब्रह्मदेव को दंड दिया था, उसी तरह मैं तुम्हें दंड दूंगा। इतना आत्मविश्वास, ब्रह्मदेव का शीश काटाऊंगा, पर मेरी एक उंगली को हानि नहीं पहुंचा सकते तुम। अगर अपना हित प्यारा है तो जाओ यहाँ से, वापिस लौट जाओ। प्रभु, कल्पना करना भी कठिन है कि कोई बालक इतना मनमोहक हो सकता है। सखी के शक्ति से जन्म लिया है उसने, जितना रूपवान है उतना ही नटखट भी है। ऐसा कि जिसे एक बार देखते ही मन में स्नेह की धारा सहज ही फूट जाए। प्रभु, आप जानते हैं, अपने माँ के लिए उसकी एकनिष्ठ भक्ति अतुलनीय है। कैलाश में अब कोई ऐसा होगा जो सखी की बातों को बिना कहे ही समझ जाए, कोई ऐसा जो महादेव से अधिक सखी की आज्ञा का पालन करे। देवी, कौन किसकी आज्ञा कितनी अधिक मानता है, ये किसी प्रतियोगिता का विषय नहीं हो सकता। इससे किसी का हित नहीं होगा। पर यदि इस बालक ने अपना हट नहीं छोड़ा तो ना जाने किस समस्या को आमंत्रित कर लेगा। जो भगवान के सामने होकर उनकी महानता का वर्णन सुनने पर उन्हें पहचानने के लिए तैयार ना हो, उसका कल्याण संभव नहीं। उस बालक के कड़वे वचनों और अभिमान भरे व्यवहार से सभी गणों को भीषण क्रोध आ रहा था। बस करो बालक, बंद करो ये खेल। तुमने ना केवल नंदी जी का अपमान किया है बल्कि स्वयं महादेव का अपमान किया है तूने। महादेव तो जगत के पिता है। वो किसी के भी पिता हो, उससे मुझे क्या? मैं उनके लिए नहीं, सारे जगत के लिए अपना वचन नहीं तोड़ूंगा। अबोध, उनकी कथा सुनकर भी तुम उन्हें पहचान नहीं पाए, पल भर में तुम्हें भस्म कर सकते हैं वो। तुम निरंतर उनका अपमान किए जा रहे हो। हमारे स्वामी है वो,
इस संपूर्ण जगत में ऐसा कौन है जो उन्हें रोकने का सामर्थ्य करे? अब तक हम तुम्हें बालक मानकर क्षमा कर रहे थे, पर अब बस तुम सीधी तरह नहीं मानोगे तो हम तुम्हें बांध कर यहां कोने में बिठाकर अंदर चले जाएंगे। ओहो, कितना बोलते हो तुम सब। साहस है तो करके दिखाओ। अब तुम्हें दंड देना ही होगा। सामने से हट जाओ बालक, श्रृंगी की टक्कर तुम सहन नहीं कर पाओगे। ये कैसे संभव है? चतुर गणेश। ये बालक तो शिवगण से ही युद्ध करने लगा, कहीं इसके क्रोध से महादेव क्रोधित होकर अपनी तीसरी आंख न खोल दे। यदि इस बालक ने श्रृंगी के सींग तोड़ दिए तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। हे नारायण, फिर क्या हुआ गुरुदेव? बालक के कारण श्रृंगी के साथ इतना बड़ा अनर्थ हुआ, तो फिर महादेव ने क्या किया? ये आभास कैसा है? कुछ
कुछ तो अनुचित हो रहा है। और क्या श्रृंगी एक बालक के साथ जूझ रहा है? और इस बालक में तो श्रृंगी से अधिक शक्ति है। मां पार्वती और महादेव दोनों ही समाधि में, ऐसे में कौन रोक सकता है इस बालक को? इसका तो एक ही है कि कुछ बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। किसी को तो रोकना होगा इसे। नारायण 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 नारायण। प्रभु, इस समस्या का समाधान आपको करना ही होगा, इससे पहले कि कोई अनर्थ हो जाए। आपके कहने का तात्पर्य क्या है देवऋषि? क्या माँ पार्वती का पुत्र सच में बहुत विशेष है? वो संसार के सभी बालकों के गुणों को अपनी कल्पनाओं के सांचे में ढालकर उसका सृजन किया है माँ ने। श्रृंगी के प्राण उसके सींगों में होते हैं। अगर बालक ने बलपूर्वक उसके सींग को उखाड़ फेंका तो उसके प्राण चले जाएंगे, और यदि उसके प्राण चले गए तो न जाने महादेव क्रोध में आकर क्या करेंगे इस बालक का। वो इतना स्नेहशील है, निर्दोष है, ऐसा कैसे कर सकता है? बस अब बहुत उद्दंडित कर चुके तुम। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं बालक, इसे क्षण श्रृंगी को छोड़ दो। कितना समझाता है मैंने तुम सभी को, पर तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी। तो फिर अब मैं तुम्हारे वचन का मान क्यों रखूं भला? एक साथ कैसे रहूंगा मैं? मुझे श्रृंगी के सिंगों को तोड़ना होगा। कही ये बालक श्रृंगी के प्राण न हर ले, अन्यथा न जाने इसका क्या परिणाम होगा। बालक में असीमित शक्ति है और इसे ये ज्ञात भी नहीं है कि इसके उपयोग का क्या परिणाम होगा। मिलकर मुझ पे वार करने की योजना बना रहे हैं। एक छोटे से बालक पर दो दो योद्धा प्रहार करेंगे तो केवल एक डंडा की सहायता से ये अपना बचाव कब तक कर पाएगा? प्रभु, नंदी और श्रृंगी ऐसा कैसे कर सकते हैं? महादेव के ये दो गण सात्विक प्रवृत्ति के धर्म का पालन करने वाले प्राणी हैं देव। वो अकारण ही कभी किसी पर आक्रमण नहीं करते, पर महादेव को कैलाश में प्रवेश करने से रोककर
उनकी बात सुने बिना, कारण जाने बिना उनका अनादर करना अनुचित है। और श्रृंगी और नंदी ऐसे भक्त हैं कि वे अपना अपमान तो सह सकते हैं, किंतु अपने आराध्य प्रभु महादेव का कभी नहीं। और जहां तक प्रश्न सहायता का है मां, तो ऐसा लग रहा है कि सहायता की आवश्यकता बालक को नहीं अपितु श्रृंगी और नंदी को है। आओ आओ, ऐसे आनंद की अनुभूति कराऊंगा कि कभी भूल नहीं पाओगे। कौन है ये बालक? ऐसी कौन सी शक्ति है इसके दंड में कि हम इसका सामना नहीं कर पा रहे? ये तुमने ठीक नहीं किया बालक। चिल्ला तो ऐसे रहो कि मैं तुमसे भयभीत हो जाऊंगा। तो आगे बढ़ो ना, आओ ना, तो फिर माँ के दंड का दंड तुम्हें भी मिलेगा। आ जाओ आगे। बालक की लाठी में माँ ललिता की शक्ति थी, और उस महान शक्ति के सामने संसार की बड़ी से बड़ी शक्ति असहाय हो जाती है। उस शक्ति का सामना तो बड़े से बड़े देवता के लिए भी कठिन होता। तो फिर श्रृंगी और नंदी के लिए तो ये असंभव ही था। तूने सत्य कहा करो, इतने वर्षों बाद आप समझ पाई हो कि तू जैसा है वैसा क्यों है? क्योंकि तेरे भीतर तेरी मां की तपस्या की शक्ति है, और उसी शक्ति के प्रभाव के कारण तुझे पराजित करना असंभव नहीं, किंतु हां कठिन अवश्य है। किंतु मैं ये पहचान ही नहीं पाई। अपने अभिमान में ये सोचती रही कि तुझे दास बनाकर नियंत्रित कर सकती हूं मैं। कितनी बड़ी मूर्ख हूं मैं। लोगों को ज्ञात हो जाता है कि उन्होंने क्या भूल की, किंतु ये बालक को ज्ञात नहीं था, और इसीलिए वो अभी शिव गणों को चुनौती दे रहा था। तुम सब कहते कि मुझे बांध लोगे, बल से भीतर प्रवेश कर लोगे। यदि मैंने तुम्हें रोकने का प्रयास किया तो तुम्हारे स्वामी तो बहुत क्रोधित हो जाएंगे ना, और मुझे भस्म कर देंगे। एक बालक से पराजित होकर मन विचलित हो गया। इस बालक का जन्म मेरे आशीर्वाद के फल स्वरूप हुआ था, फिर भी इतना उद्दंड है ये। हाँ स्वामी, इस बालक के व्यवहार से तो मैं भी चकित हूं। इतना समझाने पर भी इसे आभास क्यों नहीं हो रहा कि मां का आज्ञा का पालन का अर्थ ये नहीं कि दूसरों का अनादर करे। परंतु गुरुदेव, मैं समझ नहीं पा रहा कि वो बालक तो माँ पार्वती से उत्पन्न हुआ था, तो फिर वो इतना उद्दंड और अभिमानी क्यों था? गरुड़, छोटे बालक गीली मिट्टी की तरह होते हैं, उन्हें कोमल हाथों के स्नेह की आवश्यकता भी होती है ताकि उन्हें सही आकार मिल सके।
और भट्टी की आंच के अनुशासन की भी आवश्यकता होती है ताकि वह बलशाली और परोपकारी भी बन सके। जानबूझकर किया गया कार्य भूल नहीं अपराध कहलाता है। मुझे पता था ना कि मैं तुझे महल से बाहर जाने की अनुमति नहीं दूंगी, इसलिए तूने मुझसे झूठ बोला। औषधि लगा रही हूँ तो जलन हो रही है, जब मार रही थी तब तो आ तक नहीं की। सत्य कहा गुरुदेव ने, माँ ने भी बहुत अनुशासन के साथ प्यार और डांट दोनों का पालन करके ही मुझे इस लायक बनाया, उनके बिना मैं कुछ नहीं। जब माता पिता के पालन पोषण में आवश्यक संतुलन नहीं होता तो संतान हटी और उद्दंड हो ही जाती है। माँ पार्वती ने अपने बालक को आपार स्नेह तो दिया परंतु उसे अनुशासन का पाठ नहीं पढ़ाया, इसलिए जब उस बालक के हाथों में शक्ति आ गई तो वे स्वयं को संभाल नहीं पाए। मां की लाठी में समाई शक्तियों ने उस बालक के मस्तिष्क में अभिमान भर दिया था और वह ये भूल गया था कि संसार में जो कुछ भी होता है प्रभु की इच्छा से ही होता है। अपने पुत्रों का पालन पोषण करने में यही भूल की थी मैंने। जब जब करुण को डांटते फटकारते हुए विनता को देखती तब तब यही सोचती मैं कितनी निर्दयी माँ है ये, किंतु आज समझ में आया कि वो कितनी सही थी। मैंने अपने पुत्रों को केवल प्रेम दिया, उनके मन की झीली मिट्टी में असीमित महत्वाकांक्षा के बीज बोए, किंतु अनुशासन के चलते सींचना फूल गई। संतुलन का पाठ ही नहीं पढ़ाया मैंने उन्हें, और इसलिए मेरे पापों का दंड मेरे पुत्रों को फोकना पड़ा। ऐसा ही होता है देव, यही विधि का विधान। उधर बालक का व्यवहार देखकर माता लक्ष्मी उसके लिए चिंतित हो रही थी और प्रभु विष्णु का क्रोध बढ़ रहा था और देवऋषि उन्हें तो पता ही नहीं लग रहा था कि आगे अब क्या हो। बहुत देर से इस बालक को देख रहा हूं मैं, अब समय आ गया है कि कोई इसे भय का अर्थ सिखाए। अब तो आप ही ये प्रयास कर सकते हैं महासर्प। बस इसके बहुत निकट मत जाइएगा, इसके दंड से बहुत पीड़ा होती है सर्वश्रेष्ठ। चिंता मत कीजिए, मेरा महाविशाल रूप इस बालक को भयभीत करने के लिए पर्याप्त होगा। अब ये बालक वासुकी के महाविशाल रूप से अवश्य भयभीत होगा और तभी उसके वचन को वो सम्मान भी देगा। मैं आशा करता हूं कि ऐसा ही होगा देव, अन्यथा परिणाम बहुत बुरा होगा। अज्ञान और अभिमान के कारण कहीं ये बालक अपना ही अहित न कर बैठे। मुझे ज्ञान देने का प्रयास करके अपना और मेरा समय रद्द मत करो। तुम सब अब तक नहीं समझे पर मैं समझ गया हूँ, जो दंड के योग्य होते हैं वो फल खिलाने से नहीं मानते।
निर्णय करो, पहला पहर तुम करोगे कि मैं करूँ? तुम्हें आभास भी है कि मैं कौन हूँ? पहचानता तो नहीं हूँ, पर इतना अवश्य जानता हूँ तुम भी और बसम वाले के कोई शुभ चिंतक हो। वैसे प्रसन्नता तो करनी चाहिए, कुछ तो बात है उस जटाधारी भिक्षुक बाबा में। इतनी सारी योद्धाओं को अपनी जटाएं से बांध कर रखा है उन्होंने। अपनी वाणी को विराम दे बालक, क्योंकि यदि मैंने अपना मुख खोला तो फिर विष निकलेगा। ओ, तो तुम हो वो विषधर सर्प जो त्रिनेत्रधारी के कंठ में लिपटे रहते हो। प्रशंसा तो निश्चित ही करनी पड़ेगी, बहुत बड़ा पशुपति है वो। मेरे बैल, और अब सर भी उसकी ओर से युद्ध करने आ गए। लगता है वो स्वयं भिक्षा मांगकर तुम सबकी भूख मिटाने में सक्षम है। नहीं तो ऐसी स्वामी भक्ति कहां से आती? नारायण नारायण, ये तो महादेव की निंदा करते करते उनका गुणगान करने लगे। पर विडंबना ये है कि इसे इस बात का आभास ही नहीं। नारायण नारायण। पर कहीं ऐसा ना हो कि उसे आभास होते होते बहुत देर हो जाए। वासुकी का विष बड़े बड़े असुरों के लिए प्राणघातक है, ये तो केवल एक छोटा सा बालक है जिसे अब दंड की आवश्यकता। बस वासुकी स्थिति संभाल, अन्यथा मुझे हस्तक्षेप करना होगा। देवी, ध्यान रखना, यदि तू स्वामी भक्त हो तो मैं भी मात्र भक्त हूँ। इसलिए हित चाहते हो तो लौट जाओ, और युद्ध चाहते हो तो आगे आओ। वैसे भी जल में कीड़ा करने वाले किसी साधारण संत से अधिक नहीं हो। बढ़ चुका आकार या भी और बढ़ा रहा है?
है सर, तो पूरी क्षमता के साथ आक्रमण करो। लगता है वासुकी बहुत क्रोधित है, कहीं वो इस बालक को हानि ना पहुंचा दे। चली गई ना मुख में, कितना तीक्ष्ण था तुम्हारा विष। अब एक बालक के पराजित होने की इच्छा से भीतर ही भीतर तुम्हें जलाएगा। बोलो आया आनंद, अब जाओ अपने महादेव से लिपट जाओ। विष तो ठीक है तुम्हारा, लज भेजने में बहुत ही कच्चे हो तुम। सदा है सुख भर में चुप जाते हो। अब देखना लज भेद का अभ्यास कितना अच्छा है। यदि इस बालक ने वासुकी को कोई नुकसान पहुंचाया या अपनी उदंडता पर नियंत्रण नहीं रखा तो मुझे स्वयं उसे इसका दंड देने जाना होगा, जो इस संसार और अन्य देवताओं के लिए योग्य नहीं होगा।